नीमच क्षेत्र में बने रेलवे के अंडरब्रिज बारिश के इन दिनों में राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानी से लबालब भर जाने के चलते एक दर्जन से ज़्यादा ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। तो वहीं राजस्थान को भी सीधे जोड़ने का रास्ता ब्रिज में पानी भर जाने के चलते बाधित हो चुका है। हालांकि अभी बारिश कम हुई है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश हुई तो इस ब्रिज में पानी भराव के चलते कई गाँवों का संपर्क इस सीधी सड़क से टूट जाएगा और लोगों को काफ़ी चक्कर लगाकर यहाँ से वहाँ जाना आना पड़ेगा। ब्रिज में पानी भराव को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इसमें तकनीकी खामियां हैं, जिसके चलते यहां पर पानी भर रहा है। 2 करोड़ की ज़्यादा की लागत से बना ये ब्रिज बरसात में किसी भी काम का लोगों के आता नज़र नहीं आ रहा है और ग्रामीण जान को हथेली पर रख कर पटरी पार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं जिम्मेदार जल्द ही इस समस्या की हल होने की बात भी कह रहे हैं। यह मार्ग नीमच से हरक्या खाल, जीरन, हरवार, फोपरिया, बर्डिया वगैरह का शॉर्टकट रास्ता है और इस रास्ते का उपयोग प्रतापगढ़ तक कई नागरिक करते हैं, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर जब भी पुल में पानी, अभी बरसात तो ठीक, ठंड में जब कुओं के पानी का लेवल बढ़ जाएगा उस समय ऑटोमेटिक यहाँ का लेवल भी बढ़ेगा, भले पानी आओ या मत आओ, पर यहाँ की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या यह गाँव पाकिस्तान में है या कोई इसका या इससे दोगलापन किया जा रहा है? क्या कारण है कि यहाँ का कोई समस्या का यहाँ पर कोई फाटक लगाई जाए इमरजेंसी, कि उस फाटक को उस समय खोला जाए जब पानी यहाँ भरा हो, उसके बावजूद उसे बंद कर दिया जाए? तो बाकी ऊपर यहाँ हमारी ग्राम पंचायत के ही जलावड़ा गांव लगता है, वो राजस्थान के आवक जाओ और हमारे गांव भी आधी रात को जमुनिया आना पड़ता है, जिसकी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ब्रिज बना उस दिन से हम इसको लेकर चल ही रहे, आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग और पंचायत में कई बार हमारे गाँव वासी भी पंचायत में आते, जबकि पंचायत इसमें कोई वो नहीं कर सकती है कि बोली केंद्र का मामला है और हम केंद्र में उसको अब तक हमने कागज और हर चीज़ का प्रयास हमने कर रखा है। अभी बीच में बोल रहे हम बना रहे हैं, जिसके लिए वो बोले जमीन, तो मैंने इसके लिए पास में जमीन भी करवा दी कि आप इससे नाला बना के पानी को तोड़वा जाए, तो अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, उनमें से कई ब्रिजों पर अंडर पर काम कर दिया गया है पूरा, उन पर नहीं आ रहा, जिस पर है अगले साल सीजन तक पूरा कर दिया जाएगा, टेंडर अवार्ड हो गए हैं और नहीं उनके पंप लगातार चल रहे हैं, तो जैसे ही आता है तो पंप के द्वारा पानी निकाल देते हैं, अगले साल तक वो भी समस्या दूर हो जाएगी। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।